Hello students, today we are going to discuss worksheet number 4, that is simple equations of class 7th standard. Beta, first question hai, you have to solve the following equations. Beta, aapko equations given hai, aapne unko solve karna hai. Iske liye jo aapne basic rule yaad rakhna hai beta, equality ka sign hota hai. Equality ki jo left hand side pe hai, usko hum LHS kehte hai. Jo right hand side pe hai, that is called as RHS. And whenever anything you will be changing from LHS to RHS, तो plus will change into minus, minus into plus, multiply into divide and divide into multiply. ठीक है बेटा, तो ये method आपने ये rule याद रखना है. अब इसमें बेटा जो आपकी equation है first part में variable है आपका x, आपने value निकालनी है x की, तो x के साथ जो 5 है that is added, तो वो plus हो रहा है. मुझे variable निकालना है तो मुझे variable को isolate करना है. आइसोलेट मतलब मुझे उसको अकेला करना है. तो x का आंसर निकालना है. व्हाट यू विल डू इज x के नीचे ही आप x लिख दोगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 9, एंड यू विल ब्रिंग दिस 5 ऑन राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे 9 ऐड हो रहा था, जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा लेफ्ट से राइट पे इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड. सो 9 माइनस 5 दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x एज 4. ठीक है बेटा, सो यू कैन ऑल्सो चेक एंड वेरीफाई. जब आप x की जगह 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 प्लस 5 दैट गिव्स यू द आंसर एज 9. सिमिलरली द सेकंड वन, x वेरिएबल है आपने सॉल्व करना है. आप 5 को इस साइड लेके आएंगे, देन 9 इज ऑन द राइट हैंड साइड, 5 लेफ्ट से राइट पे आया. जो भी नंबर होता है बेटा जो उसके लेफ्ट पे होता है वो उसका साइन होता है. सो दिस माइनस इज ऑफ 5, सो नेगेटिव 5 है, इधर जाके वो क्या हो जाएगा प्लस 5. So 9 plus 5 that gives you the value of x as 14. Third part, again same, x ke niche x minus 9, yahan pe plus 5 hai, udhar jaake minus 5. Ab beta ye aapne integers chapter mein kiya hai, jab do integers hote hain dono ka number sign same hota hai, they get added, minus 9 minus 5. Aap basically inko kya karoge, add karoge, so that will give you माइनस 14, और साइन कौन सा आता है बेटा सेम, दैट इज माइनस, माइनस 14. देन दिस वन x इज इक्वल टू माइनस 9, इधर जाके बेटा हो गया प्लस 5. अब दोनों इंटीजर्स के साइन क्या है डिफरेंट. जब इंटीजर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उनका क्या निकालते हैं डिफरेंस, और आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर का. सो दिस विल बी 9 और 5 का डिफरेंस 4, बिगर नंबर इज 9, उसके साथ माइनस था, तो x का आंसर वुड बी माइनस 4. सो बेटा ऑल दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर, बस आपके पास इंटीजर्स का डिफरेंस है. तो अगर आपके पास इंटीजर्स डिफरेंट होंगे तो यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स. फिफ्थ पार्ट में अब आपके पास यहाँ पे बेटा जो ये नेगेटिव है ये x के साथ है, सो माइनस x है ये. तो अब आप माइनस x इधर लिखोगे, 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, सो 9 माइनस 5 गिव्स यू 4, पर वो बेटा x का आंसर नहीं है, वो किसका आंसर है माइनस x का. सो इफ माइनस एक्स इज 4, सो एक्स विल बी, आप नेगेटिव साइन इधर ले आओगे, सो एक्स विल बी माइनस 4. ठीक है बेटा, सिमिलरली दिस वन माइनस एक्स माइनस 9, ये 5 इधर आया, इसमें ये 5 गया था उधर, सो दिस विल बी प्लस 5. सो माइनस 9 प्लस 5, अगेन जैसे हमने इसमें किया था डिफरेंट साइंस हैं तो डिफरेंस निकालेंगे, बड़ा नंबर 9 तो उसके साथ नेगेटिव. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, तो एक्स कितना आ गया नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल हो गया, सो बेटा एक्स का आंसर आ गया 4. अब इसमें बेटा 3l इज इक्वल टू 42, 3 और l के बीच में एक इनविजिबल मल्टीप्लीकेशन का साइन है. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सो 3 और l आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे वेरिएबल l निकालना है. तो 42 यहीं पे रहेगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 14. ठीक है, सो एल की वैल्यू आ गई है बेटा आपके पास, एल इज इक्वल टू 14. देन नेक्स्ट वन, सिमिलरली 4 और x के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, तो यहां पे जब जाएगा 20 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x एज 5. सिमिलरली द नाइन्थ पार्ट, 10 और p के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है, तो 10 जब राइट हैंड साइड पे आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ p एज 10. 3s इज इक्वल टू माइनस 12, 3 और s के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई, माइनस 12 के साथ 3 डिवाइड होगा, सो योर आंसर वुड बी माइनस 4, s इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है बेटा,
देन नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू जीरो, यहां पे जीरो ही है, x इज इक्वल टू जीरो अपॉन थ्री एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो, सो x का आंसर इज जीरो. नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू -10, सो t इज इक्वल टू -10 और 20 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया बेटा, सो t का आंसर आ गया आपके पास -1 अपॉन 2. देन दिस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10, बेटा यहाँ पे फिर से आपने यही सोचना है कि इनविजिबल मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स मुझे यहाँ पे रखना है, 10 राइट हैंड साइड पे ही है, ये 5 और 2 को मुझे राइट हैंड साइड पे लेके आना है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा और 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 एंड 5 एंड 10 कैंसिल हो गया 2, सो एक्स का आंसर आ गया 2 इंटू 2 दैट इज 4. अगेन दिस वन एक्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 4, तो पहली राइट पे था ये, 5 अपॉन 2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 2 अपॉन 5, ये 5 एंड 25 कैंसिल हो गए बेटा, ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, सो यू आर लेफ्ट विद आंसर एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. देन दिस पार्ट 3 अपॉन 2 इंटू पी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 राइट पे था, इस वाले नंबर को आप इधर लेके आओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 3, अगर आप इसको 3 अपॉन 2 ले आए बेटा तो वो गलत आंसर देगा, आपने जब ये फ्रैक्शन को इस साइड लेके आना है तब आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, सो 2 इंटू 2 4, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर्स आपस में, सो दैट गिव्स यू द आंसर ऑफ पी एज 4 अपॉन 9. 3m, अब बेटा यहाँ पे पहले 3 और m के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है और 4 ऐड हो रहा है, सबसे पहले आप 4 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, सो 25 माइनस 4 गिव्स यू 21, अब 3 और m के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है सो दे विल गेट डिवाइडेड, सो 21 अपॉन 3 दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ m एज 7. सिमिलरली दिस वन 4p आप इधर ही रखोगे, 18 राइट हैंड साइड पे है, 2 को आप इधर लेके आओगे सो 18 प्लस 2 गिव्स यू 20, 4 के साथ p मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगा सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पी एज 5, सो आंसर इज 5. 3n इज इक्वल टू 25 माइनस 7, सो 25 में से आप 7 माइनस करोगे बेटा दैट गिव्स यू 18, सो n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड सो n का आंसर आ जाएगा बेटा कैंसिल होके 6. देन दिस पार्ट, अब बेटा इस पार्ट को ध्यान से करना, इसमें जो ये माइनस 2 है इसके साथ ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3, इसको करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके माइनस 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 को 3 के साथ एंड देन सॉल्व, वो ऐसे की आपकी इक्वेशन बन जाएगी, अदरवाइज ये जो पूरा माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आप उधर जाके इसको क्या कर दो डिवाइड, सो 8 के साथ माइनस 2 डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस 4 आफ्टर कैंसिलिंग. अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है प्लस, राइट हैंड साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सो माइनस 4 माइनस 3 दैट गिव्स यू माइनस 7, सो एक्स का आंसर आ जाएगा बेटा माइनस 7. देन दिस पार्ट 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, अब इसको मैं दूसरे मेथड से कर देती हूँ, ये जो 3 है इसको मैं t और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये बन जाएगा 3t प्लस 3 इंटू 2 6, आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते थे. देन यहां पे देखो बेटा 4 प्लस 6 कितना बन गया 10 प्लस 3t और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 16, सो आप 10 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो 10 के आगे इनविजिबल प्लस है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो यहाँ पे आपके पास रह गया 3t, तो 6 इज इक्वल टू 3t, सो 3t के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड सो t का फाइनल आंसर यू विल गेट एज 2. देन दिस पार्ट यहाँ पे 2y आप वेरिएबल वाला इधर ही रखोगे, 37 अपॉन 2 राइट हैंड साइड पे है, 5 अपॉन 2 को राइट हैंड साइड पे जाके आप क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, ये दोनों बेटा आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है सेम, सो 37 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेटा, सो 2y इज इक्वल टू 37 माइनस 5, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 37 में से 5 माइनस किया आपके पास आ गया 32, ये कैंसिल होके बेटा आपके पास आ गया 16, सो 2y इज इक्वल टू 16, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एज y इज इक्वल टू 8. ठीक
ठीक है बेटा, देन 7m प्लस 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13, ये वाला पार्ट मैं यहां पे कर रही हूं। सेवन एम प्लस 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13। सबसे पहले आप 7m को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखोगे, ये 19 अपॉन 2 वाली फ्रैक्शन वहां पे जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। अब ये देखो इस फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप इसको के नीचे क्या लगा लोगे, इनविजिबल डिनोमिनेटर 1। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हमने बटरफ्लाई मेथड सीखा है, तो आप यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड लगा दो। सो 13 इंटू 2 दैट गिव्स यू 26, 19 इंटू 1 दैट गिव्स यू 19, और नीचे 2 इंटू 1 दैट गिव्स यू 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वही है 7m। सो 26 में से बेटा आपने 19 माइनस किया, दैट गिव्स यू 7 अपॉन 2, और यहाँ पे 7m। अब 7 और m के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है, सो m वुड बी इक्वल टू 7 अपॉन 2, 7 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, सो m का आंसर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, a अपॉन 5 आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे, आपका वेरिएबल है a, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 हो गया बेटा माइनस 1, ए के साथ 5 क्या हो रहा है डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो आपके पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 5। देन 2b अपॉन 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सो लेट्स डू दिस पार्ट ओवर हेयर, इसको मैं नीचे कर रही हूं बेटा, 2b अपॉन 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 5 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा वो एड, सो 2b अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, सो b 3 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड, 2 एंड 8 कैंसिल हो गए एट 4, सो b का आंसर आ गया आपके पास बेटा 12। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दी सिंपल इक्वेशंस, आपने बेसिक रूल सभी इक्वेशंस के लिए याद रखने हैं, देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इन एनी पार्ट। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू राइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपने उसके लिए क्या लिखनी है बेटा इक्वेशन। फर्स्ट है द सम ऑफ 3 टाइम्स, इसके लिए आपने कीवर्ड्स याद रखने हैं, जहां पे सम होता है उसका मतलब होता है प्लस, जहां पे डिफरेंस होता है उसका मतलब होता है माइनस, जहां पे टाइम्स होता है बेटा वहां पे मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/4, 1/3 ये फ्रैक्शंस होती हैं। अब उन्होंने किसका सम बोला है, सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स, एक्स को आपने क्या करना है 3 टाइम्स मतलब आपने उसको 3 गुना करना है, 3 से आपने एक्स को क्या करना है मल्टीप्लाई, और किसके साथ सम करना है 11 के साथ, तब आंसर इज का मतलब इज इक्वल टू, वो आंसर आपको क्या देगा 32। सम ऑफ किस किस का सम, 3 टाइम्स एक्स एंड 11, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 32। सो आपके पास इक्वेशन बन गई 3x प्लस 11, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है बेटा इनविजिबल होता है, सो आप उसको 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स भी लिख सकते हो, 3x भी लिख सकते हो। देन सेकेंड द डिफरेंस ऑफ 6 टाइम्स एच, अब आपने एच को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6h हो गया, एंड 3, इन दोनों का डिफरेंस, सो 6h माइनस 3 इज इक्वल टू 30, इसमें हमने सम लिया था और इसमें हमने डिफरेंस। थर्ड पार्ट, 1/4 ऑफ m एक्सीड्स 7 बाय 3, आपने क्या करना है m का 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय m, वो 7 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, तो अगर आप 7 उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आंसर बन जाएगा 3। सो आपके पास इक्वेशन बन गई m अपॉन 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। फोर्थ पार्ट, बाय सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, बेटा ये सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ये गलती नहीं करनी, जो फ्रॉम के बाद लिखा होगा उसको आपने इक्वेशन में पहले लिखना है, सो आपने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, x में से, सो x माइनस 8 दैट गिव्स यू 12। नेक्स्ट, बाय एडिंग 5 टू 1/3 ऑफ x, आपने 5 को क्या करना है ऐड करना है, किस में ऐड करना है 1/3 ऑफ x, दैट गिव्स यू 8, सो 1 अपॉन 3 x
plus 5 is equal to 8. नेक्स्ट, बाय एडिंग एक्स टू फोर, हमने एड करना है एक्स के साथ फोर को, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री. देन नेक्स्ट, बाय एडिंग, एड करना है फिर से सिक्स को, एड करना है किस में, हाफ ऑफ वाई, मतलब वाई अपॉन टू, देन यू विल गेट टू. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. इसमें आपने सिंपल जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एक्सप्रेशंस बनाने. ठीक है बेटा, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द वर्कशीट, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर थ्री. बेटा इट इज मैच द फॉलोइंग, फिर से इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट ओनली, फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. आपको इक्वेशंस गिवन है, पहले आप इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालोगे एंड देन आपने उसको मैच करना है. बेटा फर्स्ट इक्वेशन है x plus 5 is equal to 9. ये वही इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी. सो 9 माइनस 5, एक्स का आंसर आ जाएगा बेटा 4. देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 7, सो x इज इक्वल टू 11. दिस इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बेटा x के साथ 12 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई. सो x अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 5, सो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट गिव्स यू माइनस 16. देन 5x इज इक्वल टू 30, 5 और x के बीच में इनविजिबल मल्टीप्लाई है, सो वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x का आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 6. देन फिफ्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाई 3y इज इक्वल टू 5. आपने वो वैल्यू निकालनी है y की जो उसको सेटिस्फाई करती है. तो सबसे पहले हम जो हमने आंसर्स निकाल लिए हम उसको मार्क कर लेते हैं. x plus 5 का आंसर क्या निकला था बेटा हमारे पास, 4. देन x minus 7 is equal to 4 का आंसर हमारे पास था 11. देन x upon 12 is equal to minus 5 का we got the answer as minus 60. देन 5x is equal to 30 का आंसर was 6. अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस बच गई. अब हमने वो वाली वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करे, 3y इज इक्वल टू 5. अब आपके पास जो ऑप्शंस बची हैं बेटा 5 अपॉन 3 और माइनस 5 अपॉन 3, इसको पुट करके देखो तो y की जगह अगर मैं 5 अपॉन 3 पुट करती हूँ तो 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं. सो ये वाली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई. एंड देन द लास्ट वन, इफ p इज इक्वल टू 2, then you have to find the value of 1 upon 3 multiplied by 1 minus 3p. So 1 upon 3 bracket में 1 minus 3 into p. अब आपके पास ये p की value कितनी दी हुई है बेटा, 2. So 1 upon 3 multiplied by, सबसे पहले आप bracket multiply करेंगे bracket में 1 minus 3 into 2 6. 1 minus 6 gives you minus 5 और नीचे 3. So अगर आप p की जगह इस equation में 2 पुट करते हैं देन यू गेट दी आंसर एज माइनस 5 अपॉन 3. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. इफ बोथ साइड्स ऑफ द वेइंग स्केल आर इक्वल देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. बेटा इसमें क्या है, आपके पास वेट है, बैलेंस है, और आपको पता है जब आपके पास बैलेंस होता है तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल. अब जब मेरे पास ये लेफ्ट और राइट इक्वल है, इधर क्या बने हुए हैं, पेंटागन्स, इधर एक बॉटल बनी हुई है जिसके अंदर कितना लिखा है, 44, और एक पेंटागन. तो मैं सपोज कर लेती हूं कि एक पेंटागन किसके बराबर है, एक्स के बराबर. ठीक है, लेट वन पेंटागन इज इक्वल टू एक्स. इसमें आपने बेटा इक्वेशन बनानी है. अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, पांच पेंटागन्स, सो एक्स 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 एक्स, तो ये टोटल कितने हो गए, 5x. और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, एक एक्स है और साथ में वेट कितना है, 44. तो ये दोनों क्या है, इक्वल. तो ये आपकी क्या बन गई, सिंपल इक्वेशन. तो अब यहाँ पे एक्स इधर क्या हो रहा है, एड, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट. तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 44. तो 5x माइनस एक्स कितना हो गया, 4x. 4 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड. सो 44 अपॉन 4, एक्स का आंसर आपके पास आ गया 11. So weight of one pentagon is 11 units. आप grams या kg कुछ भी नहीं लिखोगे, साथ में क्या लिख दोगे, units. Units का मतलब कि अगर आपको question kg में है तो kg, gram है तो gram. अब इसी तरह ये question है, circle है, circle का weight find करना है. Circle left hand side पे भी है, right hand side पे भी है. तो एक circle को मैंने मान लिया x,
तो मेरा लेफ्ट पे क्या बनेगा बेटा, 15, और कितने एक्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, 2, सो 2x, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, 7, और कितने सर्कल्स हैं, 3, तो 3x, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल। अब ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई, एंड यू जस्ट नाउ सिंपली सॉल्व इट। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, 7 आप इधर ले जाओ तो 15 माइनस 7 हो जाएगा, 2x आप इधर ले आओ सो 3x माइनस 2x, सो 3x माइनस 2x x, एंड 15 माइनस 7 इज 8, सो x का आंसर आपके पास आ गया 8 यूनिट्स। ठीक है बेटा, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ आपने इस डायग्राम को समझ के खुद पहले सिंपल इक्वेशन बनानी है एंड देन उसको सॉल्व कर लेना है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, सर्कल भी है और रेक्टेंगल भी है, तो इसमें अब मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास सर्कल को आप मान लो एक्स और रेक्टेंगल को आप मान लो वाई, एक सर्कल एक्स है, एक सर्कल वाई है और रेक्टेंगल वाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा है, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, 14, और इसकी क्या बनेगी, यहां पे सर्कल्स कितने हैं, 2, तो ये क्या बन गया 2x, और एक रेक्टेंगल दैट इज वाई इज इक्वल टू 20। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमने तो सिंपल इक्वेशंस की हैं इन वन वेरिएबल, अब इसमें तो दो अननोन चीजें आ गई, एक एक्स है और एक वाई है। इसको करने का बहुत इजी मेथड है बेटा, आप पहले यहां से क्या करो, वाई की वैल्यू निकाल लो, y कितना आ गया 14 माइनस x, जो ये y आया आप इसमें पुट कर दो, 2x को 2x, y की जगह आप क्या पुट कर दोगे यहां पे, 14 माइनस x इज इक्वल टू 20, तो 2x माइनस x हो गया x, 20 के साथ 14 उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, सो x का आंसर आपके पास निकल आया। सो x क्या था आपके पास, सर्कल, तो सर्कल का कितना है 6 यूनिट्स, और अब हमने निकालना है रेक्टेंगल, जो आपका सर्कल का एक्स निकला है आप उसको फर्स्ट इक्वेशन में अपने पुट कर दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, सो 6 प्लस y इज इक्वल टू 14, सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 6 दैट इज 8। सो बेटा जो मेरा एक्स निकला है वो 6 निकला है, जो मेरा वाई निकला है वो 8 निकला है, और उन्होंने एक सर्कल और दो रेक्टेंगल्स के पूछे हैं, सो दो रेक्टेंगल्स वुड बी 8 into 2 दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। ठीक है बेटा, सर्कल का निकला 6 यूनिट्स, रेक्टेंगल का निकला 8 यूनिट्स, और एक सर्कल का 6 यूनिट्स और दो रेक्टेंगल के 16 यूनिट्स। देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, इसमें आपने निकालना है सर्कल और रोम्बस, रोम्बस को मान लो बेटा एक्स और सर्कल को मान लो बेटा वाई, तो यहां पे कितने एक्स पड़े हैं, ये जो मैंने x और y लिखा ये एक सर्कल का वेट है, वेट ऑफ वन सर्कल इज x एंड वेट ऑफ वन रोम्बस इज इक्वल टू y। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे कितने रोम्बस हैं, सॉरी मैंने रिवर्स लिख दिया, सर्कल का बेटा y एंड रोम्बस का x, तो अब यहां पे कितने रोम्बस हैं, 3, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 9। अब ये तो बहुत ईजी है, 9 अपॉन 3, तो एक एक्स किसके बराबर हो गया 3 के, तो एक रोम्बस किसके बराबर है बेटा 3 यूनिट्स के, और यहां पे आपके पास क्या बनेगा, एक रोम्बस और एक 7 दैट इज एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू वाई वाले कितने हैं 2 दैट इज 2y, और एक्स का आंसर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो दैट इज 3, सो 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2y, 10 इज इक्वल टू 2y, सो y आ जाएगा बेटा आपका 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5, सो y कितना आ गया आपके पास 5 यूनिट्स, सो सर्कल का है 5 यूनिट्स और रोम्बस का है 3 यूनिट्स। सो दिस वॉज अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके बहुत मजा आता है, जैसे आप मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, उस पर देखते हो इंटरनेट पे, पजल्स आती हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ पजल्स ही हैं बेटा, जब आपके पास जो दो साइड्स पे दिया हुआ है आपने उसकी एक इक्वेशन बना लेनी है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व की थी वैसे आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी आपके पास वेरिएबल है उस वेरिएबल का आंसर निकाल लेना है। सो आई होप दिस असाइनमेंट इज क्लियर टू एवरीवन, सो ऑल ऑफ यू प्लीज कंप्लीट योर वर्कशीट एंड हैव अ सेफ डे, थैंक यू।